नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट ट्विटर में। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे इंडिया वुमेन, साउथ अफ्रीका वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन के बीच जो ट्राई सीरीज होगी T20 मैच की, तो उसका यहां पर मैच खेला जाएगा। पहला मैच साउथ अफ्रीका वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच। तो फ्रेंड, मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, स्क्वाड मेरा रेडी है, प्लेइंग 11 मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप चलते हैं सीधे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन का स्क्वाड यह रहेगा: नैकरिक, ली, वॉलराथ, लूज, प्रीज, काप, ट्रेन, क्लास, खाका, नोजे, इस्मेल, माली, लेके, स्टेन एंड ब्रिट्स। तो फ्रेंड, ये है इसका स्क्वाड। यानी कि आप सोच लेना कि स्क्वाड के बाहर कोई भी नहीं खेलेगा। जो प्लेयर आपको लेने हैं तो आप स्क्वाड के अंदर से ही लेना फ्रेंड, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, चाहे आप ग्रैंड लीग में करो, चाहे आप किसी भी लीग में करो, तो आपको इस स्क्वाड से ही प्लेयर लेने हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर प्लेइंग 11 इस टाइप से हो सकती है: ली एंड वॉलराथ यहाँ पर ओपनिंग आएंगे साउथ अफ्रीका के लिए। यहाँ पर लूज या स्टेन में से कोई एक यहाँ पर खेलेगा फ्रेंड। दोनों का जो मेरे ख्याल से लूज का चांस ज़्यादा है। एंडी स्टेन को मौका मिला बट उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था जो पिछला इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था। एम डुप्री जाएगी उसके बाद, एंड नैकरिक जो उनकी कैप्टन है, बहुत ही अच्छी स्पिन बॉलर है एंड बैटिंग भी बहुत अच्छा करती है फ्रेंड। पिछले मैच में उन्होंने 91 रन किए थे। ट्रेन, काप, इस्मेल, खाका और यहाँ पर ऋषभ नोजे एंड लूज, इनमें से कोई एक खेल सकते हैं यहाँ पर। एंड एम क्लास, जिन्होंने अच्छे पिछले मैच में 3 या 2 विकेट लिए थे, तो इस मुझे लगता है इस मैच में ये रिटर्न करेंगे, बाहर नहीं होंगे टीम से। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की आप फ्रेंड ये स्क्वाड देख सकते हैं, जो भी है इसी में से प्लेयर्स चूज करने होंगे आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस टाइप से नहीं होगा कि जो न्यूजीलैंड ने आयरलैंड के अगेंस्ट किया था, कभी किसी को ओपनिंग कर दिया, कभी किसी को रेस्ट दे दिया। तो फ्रेंड, मैं एक बात बता दूँ, साउथ अफ्रीका की टीम भी कोई कमज़ोर टीम नहीं है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड भी अपनी एक अच्छी टीम के साथ उतरेगी। यानी कोई ज़्यादा चेंजेस करने के मुझे चांस नहीं लग रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सूजी बैट्स डिवाइन, जो कि नॉर्मल आपके ओपनर हैं साउथ अफ्रीका वुमेन टीम, सॉरी न्यूजीलैंड वुमेन टीम के, तो यही दोनों ओपनिंग करने आएंगे। अगर कोई चेंजेस हो टीम मैनेजमेंट का, क्या भरोसा हो मुझे कह नहीं सकता फ्रेंड, बट मुझे लगता है कि ये दोनों ओपनिंग करने आएंगे। उसके बाद मार्टिन आएगी जो इनकी विकेट कीपर है, देन एमी स्टेवर्ट एंड ग्रीन, एमियाकर, कास्प्रिक जो कि अच्छी यहाँ पर वर्ल्ड की नंबर 2 बॉलर हैं, भी बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्पिन बॉलर हैं। तहू इनकी फास्ट बॉलर है, हनन रॉबिन की फास्ट बॉलर है एंड होली हडसन और अन्ना पैटरसन, जैनसन एंड इब्राहिम में से किसी एक को मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड, ये हो सकती है इनकी प्लेइंग 11। तो फ्रेंड, बात करते हैं हम सीधे टीम की तरफ, जो मैंने यहाँ पर टीम क्रिएट की हुई है आप लोगों के लिए। सिर्फ एक टीम में यहाँ पर क्रिएट की हुई फ्रेंड, और इसमें मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन में आपको दे दूंगा और आप इसमें क्या क्या आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने डिवाइन को कैप्टन किया है एंड बैट्स को मैंने वाइस कैप्टन किया है। तो ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिया है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, अपने जो सेफ मुझे लगता है कि डिवाइन फ्रेंड मैंने इसलिए कैप्टन किया है फ्रेंड डिवाइन को, एक तो यहाँ पर ओपन आती है न्यूजीलैंड के लिए एंड यहाँ पर 10 ओवर या 5-6 ओवर तो निकाल ही लेती है फ्रेंड, और निकाल दिया कुछ विकेट मिल गया तो फ्रेंड वो कैप्टन के लिए अच्छा रहेगा। एंड बैट्स को इसलिए किया है फ्रेंड क्योंकि बैट्स पिछले मैच में हमने देखे थे कितने अच्छी प्राइम फॉर्म में। यहाँ पर आप वाइस कैप्टन का मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, और आप यहाँ पर ली को भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं, वॉलराथ को कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आप देखेंगे मैंने एक इनकी मेन प्लेयर नैकरिक को नहीं टीम में लिया है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको पॉइंट की दिक्कत पड़ेगी फ्रेंड। अगर आपको यहाँ पर पॉइंट एडजस्ट करने पड़ेंगे तभी आपकी एक बैलेंस टीम बन पाएगी। देखो फ्रेंड, यहाँ पर बिल्कुल ही 0 पॉइंट है, या तो आपको डिवाइन को हटा के नैकरिक को रखना पड़ेगा, तो फिर आपकी टीम ऐसे भी हो सकती है। बट फ्रेंड, मैं आपको प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप सोफी डिवाइन को हटाने का रिस्क लो, क्योंकि सोफी डिवाइन वर्ल्ड क्लास की नंबर 1 बॉलर ऑलराउंडर है। तो आप बिल्कुल भी इस पर रिस्क मत लो फ्रेंड, आपको एक बड़े प्लेयर को अपने टीम से हटाना पड़ेगा ताकि आपकी टीम बैलेंस हो जाए। तो फ्रेंड, अगर आप 2 प्लेयर को हटाते हो, आप फिर आपका, अगर आपको नैकरिक को रखना ही है, अगर आपको इसको अपनी टीम में सिलेक्ट करना ही है नैकरिक को, तो फिर अगर आपको एडजस्ट करना है तो फिर आपको अमीला कर को भी हटाकर, काप को हटाकर एक आप यहां पर इस टाइप से भी एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास बचेगा 8 क्रेडिट, तो 8 क्रेडिट में फ्रेंड आप यहाँ पर से आपको क्लास पर आप रिस्क ले सकते हो। तो आप इस टाइप से भी आप टीम कर सकते हो फ्रेंड, कि आपको मतलब कि आपको अगर यहाँ पर नैकरिक को रखना है, क्योंकि फ्रेंड मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप नैकरिक को छोड़ो, क्योंकि नैकरिक फ्रेंड आपका पूरा गेम बिगाड़ सकती है अगर आपने इसको ड्रॉप कराया। बट फ्रेंड, मुझे यहाँ पर मजबूरन में अपनी एक बैलेंस टीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नैकरिक को टीम में नहीं रखा है।
तो फ्रेंड इसलिए मैंने यहाँ पर नेकरिक को टीम से हटाया, टीम में नहीं रखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने रखा था अन्ना पैटरसन को। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पर आप नेकरिक को टीम में रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का फ्रेंड ज़्यादा पॉइंट के क्रेडिट के प्लेयर है। या तो आपको ली को यहाँ पर ड्रॉप कराना पड़ेगा और मार्टिन को खिलाना पड़ेगा। मार्टिन 9 क्रेडिट किया, पर मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लेजी ली को टीम से हटाओ क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, साउथ अफ्रीका की ओपन बैट्समैन है। तो आप इनको टीम से बिल्कुल मत हटाना फ्रेंड। बट आपका क्रेडिट का इशू रहेगा तो आपको किसी एक बड़े प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ली को रखा एंड वोल्ड्राथ ट्रायन जो कि बहुत ही अच्छी बैट्समैन है और बॉलिंग भी करती है फ्रेंड। ट्रायन वाइस कैप्टन के लिए आपको अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। यहाँ पर आपको ग्रीन को बता दूँ अच्छी फॉर्म में है पिछले सीरीज में, तो आपको वाइस कैप्टन के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर बैट की बात बता दूँ तो मैंने बैट को वाइस कैप्टन किया है एंड मैंने यहाँ पर डिवाइन को मैंने कैप्टन किया है। यहाँ पर डिवाइन मेरी फ्रेंड इस मैच में कैप्टन है। फिर यहाँ पर काप को आप रख सकते हैं, मीला कर को मैंने यहाँ पर रखा है, पैटरसन को मैंने यहाँ पर रखा है एंड कास्प्रिक एंड स्मेल। तो फ्रेंड ये मेरी हेड टू हेड या आप मान सकते हो 6 मैन 40 मैन सबकी टीम मेरी यही रहेगी। तो फ्रेंड इसी टीम के साथ मैं खेलना पसंद करूंगा ये मैच। ओके फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है तो आप उस पक्का उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड अभी तक अगर आपने किया नहीं, क्योंकि फ्रेंड मैं उसमें आपको हर टाइप की टीम डालता हूँ और अगर कुछ भी चेंजेज होगा फ्रेंड तो मैं आपको उसमें जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक।